सो फ्रेंड्स, अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स में देख रहे हैं। अपनी लास्ट क्लास है कॉर्डेट्स की, मैमेलिया है ना, स्तनी क्लास के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने क्या क्या चीज पढ़ ली। अपने कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन दिखा था, उसमें कॉर्डेट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, एक्रियनेटा के अंदर एंड क्रियनेटा के अंदर। फिर एक्रियनेटा है उसको दो सबफाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है, एक तो यूरोकॉर्डेटा एंड एक सिफेलोकॉर्डेटा। फिर जो यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट है, इनके भी वर्ग हैं, उन वर्ग के बारे में अपने डिटेल में बात कर ली थी। फिर इधर आ जाते हैं क्रियनेटा के अंदर। तो क्रियनेटा का एक सब फाइलम है वह वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन के अंदर, दो प्रभागों के अंदर बांटा गया है, एक तो अग्नेथा के अंदर, एक नेथोस्टोमेटा के अंदर। फिर जो अग्नेथा है इसके दो वर्ग है, और जो नेथोस्टोमेटा है इसके भी दो वर्ग है। अग्नेथा के दो वर्गों के बारे में अपने बात कर ली। फिर जो नेथोस्टोमेटा के दो वर्ग थे, एक तो पीसीज, एक टेट्रापोडी, चतुष्पादी। पीसीज के जो वर्ग है तीन वर्ग, उन तीनों वर्गों के बारे में अपन ने डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया था। फिर आ जाते हैं टेट्रापोडी ना, चतुष्पादी। चतुष्पादी के भी टोटल चार वर्ग हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। तो आज लास्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स का, क्लास मेमेलिया के बारे में। तो जो क्लास मेमेलिया, लास्ट वीडियो से पिछले वाली वीडियो थी उसके अंदर जो क्लास मेमेलिया के जो करेक्टर्स होते हैं उनके बारे में देख लिया था। फिर जो उस वीडियो में अपन ने बात की थी कि जो क्लास मेमेलिया है उनको दो सब क्लास के अंदर, यानी दो सब उपवर्गों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सी? एक तो प्रोटोथीरिया, एक थीरिया। तो आज बात करने वाले हैं प्रोटोथीरिया और थीरिया, इन दोनों क्लास की बात, इन सब क्लास की आज बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्लास प्रोटोथीरिया की। तो प्रोटोथीरिया के थोड़े से अपन करेक्टर्स देख लेते हैं क्लास प्रोटोथीरिया। तो अपन बात कर रहे हैं क्लास प्रोटोथीरिया। तो जो क्लास प्रोटोथीरिया की जो सदस्य हैं उनको प्रोटोथीरिया, ये जो क्लास है, इस क्लास को क्या होता है, जो रेप्टिलिया, कौन सी? एक तो रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, और जो मेमेलिया है ना, मेमल्स है, मेमेलिया है ना, मेमल्स। रेप्टिलिया और मेमल्स के बीच की जो कनेक्टिव लिंक होता है या ना संयोजक कड़ी होता है वो माना जाता है ना, जो प्रोथीरिया क्लास है, सब क्लास है, इस प्रोथीरिया सब क्लास को रेप्टिलिया और मेमेलिया के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है, जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है, संयोजक कड़ी माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेप्टिलिया और मेमेलिया के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहते हैं। तो किसको बोलते हैं? प्रोथीरिया सब क्लास को रेप्टिलिया एंड मेमेलिया के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी जो प्रोटोथीरिया के जो सदस्य होते हैं वो रेप्टाइल्स के समान अंडे देने वाले आदिम प्रकार के ना, प्राइमेटिव प्रकार के क्या होते हैं, प्राणी होते हैं। तो प्रोथीरिया के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य क्या होते हैं, रेप्टाइल के समान अंडे देते हैं, रेप्टाइल के समान क्या देते हैं, अंडे देते हैं, रेप्टाइल के समान अंडे देते हैं। और क्या होते हैं, आदिम है ना, प्राइमेटिव प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, अंडज होते हैं और आदिम प्रकार के ना, प्राइमेटिव प्रकार के होते हैं। और इनके अंदर ये जो प्रोटोथीरिया के सदस्य होंगे, इनके अंदर जो मादा के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होंगी ना, मेमरी जो ग्लैंड्स होंगी, उनमें क्या होते हैं, निपल्स अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं कि मादा होती है उनके ऊपर जो स्तन ग्रंथियां होती है उनके ऊपर आगे जो निपल्स होती है ना, वो निपल्स क्या होती है इनके अंदर, अब्सेंट होती है। तो मादा के अंदर क्या होगा, इनमें मादा की जो स्तन ग्रंथियां हैं, मादा की जो स्तन ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों के अंदर निपल्स क्या होंगी, अब्सेंट होंगी। मादा के अंदर क्या होगी, स्तन ग्रंथियों पे निपल्स अब्सेंट होती है। और क्या होता है, इनका जो ब्रेन होता है ना, इस सब क्लास के अंदर जो सदस्य होंगे उनका जो ब्रेन होगा, यानी उनका जो मस्तिष्क होगा, तो मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, जो कार्पस कैलोसम होता है वो अब्सेंट होता है ना, इस क्लास के, इस सब क्लास के जो मेंबर होते हैं उनके ब्रेन के अंदर कार्पस कैलोसम क्या होता है, अब्सेंट होता है, कार्पस कैलोसम क्या होगा, अनुपस्थित होता है इनके ब्रेन के अंदर। तो आपको एक बात बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स के जितने भी क्लास देखी है अपन ने, उन सबके जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, ऊपर आई बटन के अंदर तो नहीं दे पाऊंगा, कोशिश करूंगा देने की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चैनल के ऊपर अबाउट का ऑप्शन होता है वहां पे जाओगे, तो वहां जाने के बाद आपको मेरे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स होते हैं वो देख सकते हो। बात कर रहे हैं ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या होता है, कार्पस कैलोसम अब्सेंट होता है। और क्या होता है, जो नर होता है यानी जो मेल होता है, मेल के अंदर जो वर्षण है ना, टेस्टिस होते हैं, वो एब्डोमन में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, एब्डोमन के बाहर नहीं, एब्डोमन के अंदर, उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। तो नर के अंदर क्या होते हैं, जो वर्षण होते हैं या ना, जो टेस्टिस होते हैं, वो टेस्टिस कहाँ स्थित होते हैं, वर्षण कहाँ स्थित होते हैं, उदर में, कहाँ होते हैं, एब्डोमन में। उदर में क्या होते हैं,
स्थित होते हैं। अब उदर के अंदर क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि इनके शरीर का तापमान होता है वो क्या होता है, कम होता है। उदर में स्थित क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो तापमान क्या होता है, कम होता है ना। तापमान शरीर का क्या होगा, इनकी बॉडी का तापमान क्या होता है, कम होता है, इसलिए ओसन क्या होते हैं, उदर के अंदर स्थित रहते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेट मान लिया जाता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना, 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको देखने को मिल जाएगा। और इनके अंदर क्या होते हैं, जो कर्ण पल्लव होते हैं, ये सदस्य होंगे, इनके अंदर जो कर्ण पल्लव होंगे, कर्ण पल्लव क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। और जो बाह्य कर्ण होता है वो भी क्या होता है, इनके अंदर अब्सेंट होता है ना। एक्सटर्नल ईयर होता है वो भी इनके अंदर अब्सेंट होता है। और इनके जो अंडे होते हैं, यानी इनके द्वारा जो एग दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं, वो अंडे क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं एंड अति पित्तकीय होते हैं। अति पित्तकीय होते हैं, कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और अति पित्तकीय होते हैं। और ये क्या होते हैं, आंशिक समतापी होते हैं। यानी ये सदस्य क्या होते हैं, इसके इस सब क्लास के जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, आंशिक रूप से समतापी होंगे। कैसे होते हैं, आंशिक समतापी, आंशिक प्रकार से समतापी होते हैं। अब एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है तो इसका एग्जाम्पल आता है ओर्निथियोरिक्स। कौन सा आता है, ओर्निथियोरिक्स। एग्जाम्पल पूछ ले तो एग्जाम्पल आ गया ओर्निथियोरिक्स। और क्या हो गया, टेकीग्लोसस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, जो रेप्टिलिया और मेमेलिया के बीच की जो प्रोटोथीरिया को क्या बोला जाता है, संयोजक कड़ी बोला जाता है। तो एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि इनका एक एग्जांपल दीजिए कि किनको संयोजक कड़ी माना जाता है। तो जो टेकीग्लोसस है उसको माना जाता है, किसको माना जाता है, टेकीग्लोसस। याद रखिएगा, जो टेकीग्लोसस है इसको रेप्टिलिया और मेमेलिया के बीच की संयोजक कड़ी बोला जाता है। वैसे तो क्या, प्रोटोथीरिया क्लास सब क्लास को बोला जाता है, और प्रोटोथीरिया सब क्लास का एक सदस्य है, मेंबर है टेकीग्लोसस, जिसको क्या बोला जाता है, रेप्टाइल और मेमेलिया के बीच की संयोजक कड़ी भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अब नेक्स्ट क्लास अपनी आ जाती है थीरिया, नेक्स्ट सब क्लास आ जाती है थीरिया, नेक्स्ट सब क्लास आ गई अपनी थीरिया। अब थीरिया के थोड़े से कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जो थीरिया क्लास होते हैं, थीरिया के अंदर जो स्तनधारी होते हैं वो कैसे होते हैं, जरायुष प्रकार के होते हैं। मतलब ये क्या, किसको देते हैं, जो शिशु होते हैं उनको ही जन्म देते हैं ना, अंडे नहीं देते। ये क्या होते हैं, ये सबके सब क्या होते हैं, इस क्लास के जो स्तनधारी है वो कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, थीरिया के अंदर जो भी स्तनधारी आएंगे वो सबके सब क्या होंगे, जरायुज होंगे। मतलब ये शिशुओं को जन्म देते हैं। और इनके अंदर जो बाह्य कर्ण होता है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। इनके अंदर बाह्य कर्ण क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। और ये सबके सब क्या होते हैं, समतापी होते हैं, है ना, होमोथर्मल होते हैं। कैसे होते हैं, समतापी प्राणी होते हैं, सबके सब होमोथर्मल होते हैं। और इनके अंदर जो नर होता है, नर के अंदर जो वर्षण होते हैं, पेस्टिस होते हैं, वो एब्डोमन के बाहर स्थित होते हैं। कहां पे, वर्षण कोष के अंदर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं, एब्डोमन के बाहर। नर के अंदर क्या होंगे, नर में जो वृषण होंगे, टेस्टिस होंगे, वो कहां होंगे, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। कहां स्थित होते हैं, उदर गुहा के बाहर, वृषण कोष के अंदर, वृषण कोष के अंदर, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप मेरे को आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप यहां तक वीडियो देखते हैं, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो नर के अंदर वर्षण होते हैं, इधर तो अपन ने बात की थी कि इनके अंदर, नर के अंदर जो वर्षण होते हैं वो कहां होते हैं, उदर गुहा में स्थित होते हैं। और उनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां पे आपको टेम्परेचर बताना है, यहां पे भी इनका टेम्परेचर बताना है कि इनके उदर गुहा जो वर्षण इधर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, और उनका स्थित होते हैं क्यों होते हैं ये बताना, और इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो इनके जो मादा होती है, मादा के अंदर जो गर्भाशय और जो योनि होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मादा के अंदर क्या होगा, मादा के अंदर जो गर्भाशय होगा और जो योनि होगी वो क्या होती है, उपस्थित होती है। इनके अंदर, मादा के अंदर गर्भाशय और योनि उपस्थित होती है। और शिशु और जो वयस्क होते हैं उन दोनों के अंदर क्या होते हैं, दांत प्रेजेंट होते हैं, तिथि प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो शिशु होंगे, बच्चे होंगे, इनके बच्चे हो या क्या हो, अडल्ट हो या वयस्क हो, सबके अंदर क्या होंगे,
इथ प्रेजेंट होते हैं, दांत क्या होते हैं उपस्थित होते हैं, दोनों स्टेज के अंदर क्या होंगे दांत उपस्थित होते हैं। अब क्या होता है जो थीरिया क्लास है, अब ये जो थीरिया क्लास है इस थीरिया क्लास को दो अधो वर्गों के अंदर, दो इंफ्रा क्लास के अंदर बांटा गया है। तो थीरिया क्लास को दो इंफ्रा क्लास के अंदर बांटा गया, कौन सी इंफ्रा क्लास, एक तो कौन सी आ गई मेटाथीरिया, एक क्लास तो आ जाती है मेटाथीरिया और दूसरी क्लास आ जाती है यूथीरिया, दो इंफ्रा क्लास यानी दो अधो वर्गों के अंदर इंफ्रा क्लास, दो इंफ्रा क्लास के अंदर बांटा गया है थीरिया को, एक तो मेटाथीरिया एक यूथीरिया। अब बात सबसे पहले कर लेते हैं मेटाथीरिया की, तो जो मेटाथीरिया होते हैं मेटाथीरिया के अंदर जो भी स्तनधारी आएंगे वो सबके सब क्या होंगे जरायुज होंगे, यानी मेटाथीरिया के अंदर जो सदस्य आते हैं वो सबके सब क्या होंगे जरायुज होंगे। और इनके अंदर क्या होता है कि जो एब्डोमन पाउच होता है यानी इसके अंदर जो भी स्तनधारी की जो मादा स्तनधारी होगी उनमें क्या होता है एब्डोमन पाउच होता है, जैसे जिसको क्या बोला जाता है शिशुधानी बोला जाता है, मेसोपिया बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं प्रसव के बाद में जो जंतु होते हैं अपने नवजात होते हैं उनको इस पाउच के अंदर ही रखते हैं, है ना, शिशुधानी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर क्या होता है शिशुधानी, शिशुधानी है ना मार्सोपियम होता है वो इनके अंदर क्या होता है प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होती है शिशुधानी इनके अंदर एब्डोमन पाउच पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन शिशुधानी बोलते हैं। और प्रसव के बाद में ये जो अपने नवजात जो बच्चे को जन्म देते हैं उन बच्चों को इसी पाउच के अंदर इसी शिशुधानी के अंदर रखते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं, तो अपन बात तो कर रहे हैं मेटाथीरिया की, इंफ्रा क्लास है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया के अंदर अपन ने देख लिया कि ये कैसे होते हैं जरायुज होते हैं एब्डोमन पाउच पाया जाता है इनके अंदर, मार्सोपियम होते हैं शिशुधानी होते हैं उस शिशुधानी के अंदर ही अपने जो बच्चे होते हैं उनको रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इनका जो ब्रेन होता है, इंफ्रा क्लास बात करें मेटाथीरिया की, इनका जो ब्रेन होता है इस क्लास के अंदर इस इंफ्रा क्लास में जो भी सदस्य आएंगे उनका जो इनका जो ब्रेन होता है सॉरी मस्तिष्क होता है इनका, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, इनका जो ब्रेन होता है इस ब्रेन के अंदर क्या होता है कार्पस केलोसम अब्सेंट होता है ना, कार्पस जो केलोसम होता है ब्रेन के अंदर, कार्पस इनमें कार्पस केलोसम क्या होता है मेटाथीरिया के अंदर अनुपस्थित या ना अब्सेंट होता है। और इनके जो कर्ण पल्लव होते हैं वो कर्ण पल्लव क्या होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कर्ण पल्लव इनके अंदर उपस्थित होते हैं। और इनके अंदर मादा के अंदर दो दो योनि, इनकी जो इस क्लास के इंफ्रा क्लास के अंदर जो फीमेल्स होती है उस फीमेल के अंदर दो तो वेजाइना यानी दो तो योनि और दो गर्भाशय ना दो यूट्रस, क्या दो तो वेजाइना और दो यूट्रस ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है इनके अंदर जो योग सेक होता है वो मादा के अंदर पाया जाता है, और क्या पाया जाता है मादा के अंदर योग सेक पाया जाता है, योग सेक मादा के अंदर पाया जाता है। और नर के अंदर क्या होता है सीसन प्रेजेंट होता है, नर के अंदर पेनिस या ना सीसन प्रेजेंट होता है, ये भी चीज याद रखिएगा। अब क्या होता है कि इनके अंदर जो इसी के अंदर जो दांत आएंगे है ना जो बच्चे होंगे उनके अंदर दांत क्या होते हैं एक बार दंती होते हैं, दांत कैसे होते हैं एक बार दंती यानी मोनोफाइकोडोंट प्रकार के दांत होते हैं। इसका मींस क्या हो गया कि इनके अंदर पूरे जीवन काल के अंदर दांत क्या होंगे एक ही बार आगे, मतलब दांत एक बार आगे उसके बाद दोबारा दांत आने के चांस है ही नहीं, एक बार दंती होते हैं इनके दांत, तिथि कैसे होते हैं एक बार दंती होती है। और इन के अंदर जो प्राणी इन प्राणियों के अंदर यानी मेटाथीरिया जो इंफ्रा क्लास है इसके जो सदस्य हैं उनके अंदर शिशुधानी होती है, जो मेसोपियम जो मार्सोपियम अपन ने बात की थी शिशुधानी उसके अंदर क्या होता है स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, और स्तन ग्रंथियों के ऊपर क्या होते हैं निपल्स होते हैं वो क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, निपल्स भी पाए जाते हैं स्तन ग्रंथियों, मादा की जो स्तन ग्रंथियां होंगी उनके ऊपर क्या होंगे जो निपल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, मादा के अंदर क्या होगी स्तन ग्रंथियां पाई जाएगी और निपल्स भी प्रेजेंट होगी, एग्जाम्पल आ जाता है इसका कंगारू आ जाता है मैक्रोपस, मैक्रोपस कंगारू कहां पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। एक आ जाता है डाइडेल्फिस, डाइडेल्फिस आता है जो कहां पाया जाता है अमेरिका के अंदर पाया जाता है। ये तो अपने बात की थी कि मेटाथीरिया क्लास की, अपने बात की थीरिया को मेटाथीरिया एंड यूथीरिया के अंदर अपने बात कर ली थी, सबसे पहले अपने मेटाथीरिया इंफ्रा क्लास मेटाथीरिया की बात कर ली, अब अपन इंफ्रा क्लास यूथीरिया की बात कर लेते हैं। सेकेंड आ जाती है यूथीरिया, इंफ्रा क्लास यूथीरिया की बात कर ले, तो यूथीरिया जो इंफ्रा क्लास है इनके अंदर सबके सब क्या होंगे पूर्ण रूप से जरायुज होते हैं ना, वीवी पेरियस होते हैं सबके सब जंतु, इसके अंदर क्या होते हैं
पूर्णतया जरायुज होते हैं सदस्य, सबके सब क्या होंगे, पूर्ण रूप से जरायुज है ना, विविपेरियस होंगे। और इनका जो ब्रेन होता है, इस क्लास के अंदर जो भी सदस्य आएंगे उनका जो ब्रेन होगा, उनका जो मस्तिष्क होगा, उन मस्तिष्क में कार्पस केलोसम प्रेजेंट होती है। क्या होती है? कार्पस। मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? कार्पस केलोसम पाई जाती है। और क्या होगा, ये सबके सब क्या होंगे, पूर्णतया समतापी होंगे, है ना, होमोथर्मल होते हैं ये सबके सब जीव। क्या होंगे इसके अंदर आएंगे? वो सबके सब समतापी होंगे, पूर्ण रूप से समतापी, पूर्ण रूप से होमोथर्मल होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जो कर्ण पल्लव होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस क्लास के सदस्यों में जो कर्ण पल्लव होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है, वो क्या होता है, पूर्ण रूप से कर्ण पल्लव पूर्ण रूप से विकसित होता है। और क्या होता है, इनके अंदर जो मादा होगी, या ना जो फीमेल होगी, जो मादा होगी, उन मादा की जो स्तन ग्रंथियां हैं, मादा की स्तन ग्रंथियां होगी, वो क्या होगी, सुविकसित होगी, पूर्ण रूप से क्या होगी, विकसित होगी। और क्या होंगी उन ग्रंथियों, उन स्तन ग्रंथियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, निपल्स प्रेजेंट होते हैं। मादा की स्तन ग्रंथियों पे क्या होते हैं, निपल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब निपल युक्त होती है। और मादा के अंदर क्या होगा, एक जोड़ी तो क्या होगी, वेजाइना होगी, एक जोड़ी तो योनि प्रेजेंट होती है, एक जोड़ी तो क्या, एक तो सॉरी एक जोड़ी नहीं, एक तो क्या होगी, योनि होगी, है ना, वेजाइना होगी, और एक ही क्या होगा, गर्भाशय होगा। एक जोड़ी नहीं होगी, याद रखिएगा, गलती से हो गया, एक जोड़ी नहीं, एक जोड़ी का मतलब तो दो हो जाते हैं, एक ही तो क्या होगी, योनि होगी, एक ही तो क्या होगी, वेजाइना होगी, और एक ही क्या होगा, गर्भाशय होगा, एक ही क्या होगा, गर्भाशय, है ना, यूट्रस भी क्या होगा, एक ही यूट्रस होगा। ये तो अपन ने बात कर ली, ये इसके अपन ने इंफ्रा क्लास यूथीरिया के कुछ करेक्टर्स है वो देख लिए, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन आएंगे। तो सबसे पहले तो आ जाता है होमोसेपियंस, है ना, मनुष्य आ गए, होमोसेपियंस आ गए। फिर क्या आ जाता है, हेज होग आ जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जाऊ चूहा बोला जाता है, जाऊ चूहा, हेज होग क्या बोला जाता है, हेज होग, जाहू चूहा बोला जाता है। एक आ जाता है एलेफस, एलेफस को बोला जाता है भारतीय हाथी, वो आ जाता है। टेरोपस आ जाता है ना, जिसको उड़न लोमड़ी भी बोलते हैं। पेंथलियो आ जाता है, अपना जो शेर होता है वो आ जाता है। और भी बहुत सारे जो सदस्य आ जाते हैं वो यूथीरिया के अंदर आ जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है, अपन किन के अंदर आते हैं, यूथीरिया के अंदर मनुष्य आता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, यदि आपको कॉर्डेट्स की पूरी सीरीज पसंद आई है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और आप एक बार वेबसाइट पर जरूर जाइएगा, मेरी वेबसाइट, जिसके लिंक आपको उसके ऊपर हर प्रकार के नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। अपन नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।